हाय, दिस इज जिग्ना फ्रॉम टूटू केक्स। आज जो हम डिश बना रहे हैं वो बच्चों की और बड़ों की, हम सबकी फेवरेट है, जो है कुल्फी। और सीजन है मैंगो का, इसलिए हम बनाएंगे मैंगो कुल्फी। बट ट्विस्ट यहाँ है कि ये जो कुल्फी है ये हम इंस्टेंट कुल्फी बनाने वाले हैं, तो ये कुल्फी बहुत जल्दी बनती है, प्लस ये नो कुक रेसिपी है, तो इस रेसिपी में आपको गैस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बच्चे जब ज़िद पे आ जाते हैं तो उन्हें कुल्फी इंस्टेंटली खानी होती है, तब एक ही ऑप्शन रहता है बाज़ार से लाना। बट हम ये इंस्टेंट कुल्फी घर पे बना सकते हैं, जो तुरंत बन जाएगी और बाजार से सस्ती पड़ेगी हमें। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इसमें। शुरू करते हैं बनाना हम इंस्टेंट कुल्फी। इतना ही सामान लगेगा हमें इंस्टेंट कुल्फी बनाने के लिए। एक कप हम दूध लेंगे, एक कप मिल्क मेड या फिर मिठाई मेड ले लीजिए, एक अच्छा मैंगो ले लीजिए, मीडियम साइज़ का मैंगो इनफ हो जाएगा। इसका हमें पल्प रेडी करना है। ये मैंगो एसेंस या इमल्शन आप ऐड कर सकते हो। एक कप फ्रेश क्रीम लेंगे और 3 से 4 हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। एक ही मिक्सिंग बोल में हमारी पूरी कुल्फी बन जाएगी। ज़्यादा बर्तन अलग अलग कुछ गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान रेसिपी है, नो कुक रेसिपी जिसे बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक कप दूध ऐड कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे हम कंडेंस्ड मिल्क या फिर मिल्क मेड। अब इसमें जाएगा फ्रेश क्रीम, और इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो की प्यूरी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 ब्रेड की स्लाइसेस। ज़्यादा बड़ी ब्रेड हो तो आप 2 ही लीजिएगा, ये छोटी छोटी ब्रेड है इसलिए मैं 3 से 4 ब्रेड की स्लाइसेस ऐड करूँगी। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए हम एसेंस ऐड कर देंगे। ये मैंने इमल्शन डाला है, आप इमल्शन या एसेंस जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। अब इसे हम चर्न कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये सारी ब्रेड अंदर मिल नहीं जाती। ये मैंने चर्न कर लिया है, मिक्सचर जो है वो प्रॉपर बन चुका है। इस तरीके से गाढ़ा मिक्सचर बनेगा। अब हम इसे कुल्फी मोल्ड में ऐड कर देंगे। इस तरीके के कुल्फी मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में, इनमें हम ये मिक्सचर पोर कर देंगे और कुल्फी को सेट कर देंगे। सारे मोल्ड भर दिए कुल्फी के, सबको हम लीड लगा लेंगे और इसे अब हम फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे लग जाएंगे सेट होने के लिए। अच्छा रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप इसे रात को बना के रख दोगे और सुबह निकली मोल्ड करोगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरे पास प्लास्टिक के मोल्ड्स थे, आपके पास अगर एल्युमिनियम के कंटेनर से छोटे छोटे उसमें भी आप बना सकते हो। आप बड़े से कंटेनर में फिल करके फिर इसे चॉप करके स्लाइसेस भी कर सकते हो। तो ये 12 घंटे हो चुके हैं, कुल्फी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे आपको डिबोल्ड करके दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे हो कुल्फी कितनी अच्छे से जमी है, प्लस इसका टेस्ट जो है वो अमेजिंग लगता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ सेटिंग टाइम है लगा है। तो ये बन गई है हमारी इंस्टेंट कुल्फी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना है, और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स है वो आप तक जल्दी पहुँचेंगे।